साइड सबसे पहले जमाई 2.0 का एक्सटेंडेड वर्जन है, क्या कुछ नया होने वाला है थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए। टीजर बहुत थ्रिलिंग था, लोगों को बहुत पसंद आया, थोड़ा सा बताइए। आई थिंक रवि ने जितनी लंबी बाइट दी है मुझे लगता है उसने कुछ छोड़ा नहीं है जो उसने नहीं कवर किया है। सो आई विल जस्ट फिनिश इट एट वी लुकिंग डिफरेंट दैन फाइव हाउ वी लुक फाइव ईयर्स अगो। हमारे लुक्स यू नो इट्स मच बोल्डर एजियर लाइक आई सेड इन माई प्रोमो एंड मच मोर डेंजरस दैन बिफोर। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, यू नो हमने जो 5 साल पहले शूट किया और जो हम आज हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आर फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ आर प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड यू नो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग वी हैव कम अ लॉन्ग वे, वी हैव चेंज्ड एंड इट्स ओनली फॉर द गुड एंड आई एम ग्लैड आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इट गेव मी सो मच 25-30 days ka project and it was so small and so much to learn, the entirely new team of you know DOP and this thing. I watched 8 episodes overnight and mujhe nahi lagta main itne kam makeup mein itni achhi lagi hu aaj se pehle, so I am glad and definitely in terms of styling this that everything has gotten modernized with it. So yeah, reunite hua tha pura team, kitna nostalgic feel kiya jab pehla scene shoot karna tha ya fir pehli baar aap log मैं सच बोलूँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम कभी टच में नहीं थे, यू नो विद रवि एंड अचिन स्पेसिफिकली दिस कास्ट आई हैव ऑलवेज बीन इन टच विद देम एंड इट्स द फर्स्ट टाइम जमाई राजा इज़ द ओनली शो जहाँ मैंने अपने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं जो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो बिलट्रेना शगुन सावंत अमरीन गौतम, आई डोंट नो इफ यू गाइज इवन वॉन्ट टू नो अबाउट देम और यू नो देम बट देवर द कास्ट ऑफ माई शो और आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू नो। सो जमाई राजा इन टर्म्स ऑफ नॉट फाइनेंशियली पर्सनली ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स जमाई राजा इज गिवन मी एवरीथिंग, यू नो एंड रवि एंड आई हैव सडनली बिकम सो थिक, यू नो इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड ही इज बिकम सो ग्रेट, सो कामर स्मूदर एंड वी डोंट फाइट एनी मोर, सो दैट्स ग्रेट। अचिन एज यूजुअल शी इज द ग्रेटेस्ट मॉम टू हैव, शी इज द हॉटेस्ट मॉम इन टाउन एंड आई एम सो ग्लैड टू बी हर डॉटर। सो या एवरीथिंग इज फाइन। जमाई राजा में आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया था, इसमें कैसी केमिस्ट्री होने वाली है? इस शो की जो केमिस्ट्री है आई हैव लव्ड इट, आई स्वेयर टू गॉड। मैंने कल रात को जब मैं 8 एपिसोड अपने देख रही थी, सो आई वाज जस्ट वाचिंग इट दैट ओ ओके सो हम ऐसे भी लग रहे हैं, ओ वीव डन दिस, ओ वीव डन दिस, यू नो आई जेन्युइनली वाज इन ओ ऑफ आवर ओन केमिस्ट्री। आई एम नॉट ब्रैगिंग, आई एम सॉरी इफ आई साउंड टू you know happy go lucky about this but genuinely I have loved the two of us man, I don't know and I hope you do too, so yeah. You worked in with the platform serials and web series, how was your experience and what differences you find? The only difference is that TV binds you for years and years and great here, I mean if a daily soap is working for years and years and you're bound by it financially, you're earning a lot more, your bank account is filling, you are famous, you're on all channels. Web, it's a shorter period, it takes less of your time, less dark circles, you get off the project sooner and then you get, you move on to the next one and then you get time for yourself. Okay, बलराज है, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड, यू नो आई वॉज रूटिंग फॉर हिम और पता नहीं कैसे पहुँच गया बट यू नो आई ऑलवेज वॉज गोइंग टू बी हिज फैमिली ऑल्सो, मैं सपोर्ट कर रही थी बट ग्रेट एयर एंड करिश्मा अगैन हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, यू नो आई हैव सीन हर एवरीवेयर फ्रॉम डांसिंग फ्रॉम एक्टिंग एंड दिस एंड दैट। करण पटेल अगैन सुपर ह्यूमन बींग एंड आई एम विशिंग दैम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट वन विन। अकॉर्डिंग टू यू हू कैन ब्रेक दिस शो? I think Karishma should win again the girl connection but Balraj could totally take it, Karan so you know also. Okay, okay, Big Boss aa raha hai to aapko agar approach kiya jaye to you will like to go? I have been approached and I haven't gone, I'm here. So you are not going? I'm not going, yeah I'm not going, I don't think so. Why is there any reason behind that? Yeah, you are not want to do Big Boss? I think my language in real life is not very filtered.
and my friend circle and most of the people know about it. And not that मैं training लेके भी वो इतनी overnight तो filter नहीं कर सकती, you know. And as an actor, I don't want that side coming out. Also, I feel I don't know what are you fetching out of it eventually, you know, in terms of projects and a lot of things. You know, it's your own. I don't want to go on and on about it. There are people that have made the decision to go to Big Boss, and there are people that have not gone. And I am one who's still holding to it. And matlab, I've looked beyond money and beyond. I mean, everybody is here to earn a lot of money, and then if you look past it, I think I've made a brave decision. But yeah, Big Boss is not bad. It's not. It's great. मैं एक आखिरी सवाल है. इन दिनों लगातार पर्यावरण की बात की जा रही है. आरे में 2700 पेड़ काटे जाने वाले हैं. आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेके? जब do you think it is a necessary development होना जरूरी है या forest को बचाना जरूरी है? Have you seen at the short period heavy rainfall taking place in Mumbai? Okay, what so is your opinion on this? I will not give a proper speech on this, but we seeing Mumbai. हम गणपति से ज़्यादा Mumbai is on the verge of resurgence, right? And we know it all. और development को किसको development की ज़्यादा ज़रूरत है? We know it, right? So RA के forest को अगर काट के इन सबको you know you metro lines ला के if they can benefit the people, I don't know how is the government going to go about it. But if the entire nation is coming together and fighting against it, there must be a reason. And they should just, it's high time they hear us. I mean, I'm not part of any such movement, but I strongly condemn it. And I just, you know, request them to just do the necessary improvement that Mumbai needs at this hour. Because it's drowning, man. The next moment we could just, you know, all of us, I mean, not literally, but yeah, we're on the verge of it. So yeah, next Ganpati, let's not have Mumbai having the resurgence instead of Ganpati. अच्छा सामने वाला पहले बताओ कौन है फिर उसका कौन सा पार्ट अरे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं. एक्साइटमेंट हो रही है, डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है इस वक्त. तो एक वर्ड में बोलना बहुत मुश्किल है. क्योंकि आपने तो काफी धमाल मचाया था टेलीविजन में शो के द्वारा, तो यहाँ पर कितना धमाल मचाने वाले? थोड़ा सा और धमाल मचा रही है. लिटिल धमाल पर्सोनिफाइड दिस टाइम इट इज. जमाई राजा का एक्सटेंडेड वर्जन में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है ऑडियंस? और थोड़ा सा बताइए, मतलब एकदम अलग है वहाँ पे. फैमिली ड्रामा था यहाँ पे, तीनों ही एकदम अलग रूप में किरदार में दिखाई दे रहे. थोड़ा सा बिल्कुल. सो ये थ्रिलर जॉनर है प्रिडोमिनेंटली, एंड इट्स टू डू विद ऑफ़ कोर्स लव एंड रोमांस ऑल्सो. जिस तरह से इसको शूट किया गया है वो बहुत अलग है. स्क्रिप्ट इसकी अलग हैं. जैसे कंटेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं आप. सो दैट काइंड ऑफ ट्रूथ इज़ देयर. सो इट्स स्टनिंग. इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस एंड इट्स अ ब्यूटिफुल हार्डकोर कमर्शियल प्रोजेक्ट. थैंक यू.
तो प्रिपरेशन तो मतलब ऑब्वियसली हमारी वर्कशॉप्स हुई उसके लिए सब कुछ हुआ. शुरू में बहुत थोड़ा थोड़ा रिश्ता थोड़ा थोड़ा बदल गया था एक दूसरे के साथ. तो हम हंसते रहते थे क्योंकि खून में बसे हुए हैं कैरेक्टर्स हम तीनों के. इतने साल किया है हमने तो उसको थोड़े अलग तरीके से करना था. ठहराव बदल गया था पूरे कैरेक्टर्स का और इंटेंसिटी बदल गई थी कैरेक्टर्स की. तो हाँ वो थोड़ा डर लगता था कई बार. गूफअप्स बहुत कर देते थे कई बार हम लोग. बट धीरे धीरे करके सब सिमट गया एंड इट्स रियली लुकिंग वेरी नाइस. इससे नॉस्टैल्जिक हुए जब आप तीनों मतलब इतने टाइम के बाद एक साथ सो ऐसा नहीं. मैं निया और रवि तो मोर लेस इन टच ही रहे हैं ऑन सेट. बट हाँ मैं थोड़ी इमोशनल काइंड हूँ. मैं तो गॉड ब्लेस यू बेबी लव यू बेबी सब कुछ हुआ मेरे साथ. तो एंड वी सैट डाउन एंड या आई मीन पुरानी बातें तो हम हर सीन कर रहे होते हैं तो याद आ जाती हैं. अच्छा ये अगर उस वक्त किया होता तो हम लोग ऐसे करते थे. तो वो तो रह रहे के हर मिनट कुछ ना कुछ बातें बात आती रहती हैं. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले ट्रेलर लुक्स अमेजिंग. क्या कहना चाहेंगे जो जमाई का जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो कैसा होने वाला है थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए. अब तो नाउ इट्स स्ट्रीमिंग एंड इट इज आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी. I never thought that I'd be feeling so nervous. You know, I'm actually, I have these butterflies in my stomach today. So, I'm just hoping everybody likes it. We've given it our best shot, all of us. Fingers crossed. What preparation you have to do with the character? Because there was a drama, there was a drama. So, the character was Siddharth, who was Jamai Raja. He was also an honest character, a very honest character. And here, he was also a very honest character. But it was just that मुझे अभी भी किसी ने पूछा था कि किसी के अंदर जब बदले की भावना तभी आती है अगर उससे कोई चीज़ जो उसे बहुत प्रिय हो बहुत प्यारी हो उसे छीन ली जाए. तो देयर ऑल्सो इट वॉज अबाउट लव. हियर ऑल्सो इट इज अबाउट लव. और केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है आपके और निया के बारे में. ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था क्योंकि रीयूनियन ही था. तो अचिन जी हो निया हो या मैं हूँ यू नो वी ऑल नोन ईच अदर फॉर सो लॉन्ग एंड वी मेड सो मेनी न्यू फ्रेंड्स हियर इन दिस न्यू टीम. So it's been fabulous here. मतलब वो already pre-existing एक energy थी warm था and we've had a great time shooting. कितना nostalgic feel कर रहे थे जब आप अरे बहुत पहली बार set पे मिले. बहुत 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 यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब कहाँ चार साढ़े चार साल पहले जो है ख़त्म हो गया था और we are back and we are in our own kind of warm space. हर कोई एक दूसरे को जानता है. जनरली नए प्रोजेक्ट में आप घुसते हैं आप किसी को नहीं जानते तो पहले एक आइस ब्रेकिंग होती है और आप फिर लोगों को जानना शुरू करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहाँ ऐसा नहीं था. यहाँ हम एक दूसरे को जानते थे. सीरियल और वेब सीरीज दोनों अलग प्लेटफॉर्म है. कितना मतलब क्या डिफरेंस महसूस किया आपने एज एन एक्टर. अव्वल तो आपके पास किसी चीज़ में अगर वक्त आपको डालना है इन्वेस्ट करना है तो वक्त है आपके पास. मतलब अनलाइक दैट एक आपको एक डेडलाइन के तहत कई दफ़ा काम करना पड़ता है. कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने एपिसोड शूट किए रात में जाके ख़त्म हुए. मतलब हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो निकला है कुछ 7:30 बजे या 7:45 बजे और 8:30 का टेलीकास्ट हुआ करता था. तो ऐसा अक्सर हुआ करता था. बट एटलीस्ट हियर वी हैव द टाइम टू एक्चुअली काइंड ऑफ गिव टाइम टू एवरीथिंग. वी हैड टाइम टू यू नो गो एंड शूट इन पांडिचेरी गिव जस्टिस टू द लोकेशन ऑल ऑफ दैट. ऐसा है क्या. ओके नहीं यार मेरे करीबी दोस्त हैं पटेल इज़ अ क्लोज फ्रेंड और मैंने करण से मेरी 2-3 दफ़ा बात भी हुई है बल्गेरिया से. सो आई एम वेरी यू नो आई एम वेरी रूटिंग फॉर दीज गाइज ऑल ऑफ देम देयर. एंड ये एक ऐसा शो है ना जो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है. So if you're getting a chance to do it, you must. तो आपको क्या लगता है ये तीनों में से कौन बेहतर. मुश्किल है. मुझे अपने बारे में नहीं पता था इनके बारे में क्या बताऊँ. According to you, किसी के बारे में कुछ strength पता होगी जिससे वो जीत सकते. I don't know and it'll be difficult and rather unfair to say everybody is putting their best foot forward. अरे रवि दादा. अरे 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 अन्ना.
So he's the man who actually made our entire shooting in Pondicherry possible. So he's a gift to us. मतलब हमें मजा आ गया इनके साथ shoot करने में. इन्होंने सब ऐसा सामान रखा था ना Pondicherry में कि हम लोगों को किसी चीज़ की कोई तकलीफ हुई नहीं और आ सकती थी बहुत सारी. So I'm just telling them that if it wouldn't have been for you, you understood? अपने हिंदी सीख ली थी? थोड़ा मालूम. I'm acting little. Thank you. He's a great actor also. Thank you. So yeah. So but just best wishes to all of you and best wishes to us also. Ravi, आप already part हो चुके हैं खतरों के खिलाड़ी. कोई tips देना चाहेंगे मतलब इतना कुछ आपने. जल्दी से वो खत्म करो और जमाई 2.0 देखो. That's my only tip to them. No, they are back now. हाँ. तो अभी देखो. Last में क्या USP होने वाली है जमाई 2.0? USP, I think जो characterization है चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो दुर्गा देवी पटेल हो, चाहे वो नए किरदार हो जो सुधांशु निभा रहे हैं, खतीजा निभा रही हैं, इतने सारे जो कैरेक्टर्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं वो लोग हो. वॉच इट फॉर द कैरेक्टर्स, वॉच इट फॉर द डायरेक्शन. दैट्स शांत शाह, ही इज इनसाइड. मधु बैनियर, द डीओपी ऑफ द शो, वॉच इट फॉर हिम. वॉच इट फॉर द एंटायर टेक्निकल टीम. इफ आई कुड, आई वुड टेक द नेम्स ऑफ ऑल हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व, यू नो, वेदर इट इज डीजे और इट इज मिन्ना. देयर इज अ ह्यूज लॉन्ग टीम. पायल, अश्विनी मैम, इतने सारे लोगों ने पूरी जान लगा रखी है पिछले दो ढाई महीने से. और ढाई महीने में एक प्रोडक्ट जो है खड़ा कर दिया, जिसको अक्सर एक वेब सीरीज को खड़ा करने में लंबा चौड़ा वक्त जाता है. सो फ्रॉम आई थिंक 16th वी स्टार्टेड शूटिंग, 16th ऑफ जुलाई, एंड 16th ऑफ ऑगस्ट दे पुट द ट्रेलर आउट, यू नो. एंड सो इट्स वी वर रेसिंग अगेंस्ट टाइम इन दिस, एंड दे हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ. आई मीन, हैट्स ऑफ टू Vineyard Films and Z5. Thank you.